अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, रमजानुल मुबारक की मुबारक बहारें बहुत तेजी के साथ गुजर रही हैं। तीसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के पहले 10 दिन चल कर जाते हैं, दूसरे 10 दिन दौड़ कर जाते हैं और तीसरे 10 दिन तो उड़ कर चले जाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत मुबारक अशरा, बहुत अहम अशरा शुरू हो चुका है। हमें चाहिए कि इसके लिए हम पूरे तौर पर कमर कस ले, चाको चौबंद हो जाए, इबादत के लिए पूरे तौर पर तैयार हो जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में जितनी जफाकशी और मेहनत और आमाल की जितनी कोशिश फरमाया करते थे, दूसरे दिनों में वो कोशिश नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तहज्जुद भी कितनी लंबी लंबी होती थी कि तवर्रमत कदमा, तो फिर अंदाजा लगाएं कि आखिरी अशरे में नबी करीम अलैहि सलाम की इबादत कितनी ज्यादा होती होगी। और हदीस पाक में हमें यह भी लफ्ज मिला कि आप अलैहि सलाम आखिरी अशरे के लिए तहबन कस लिया करते थे, कमर बस्ता हो जाया करते थे, तैयारी फरमाया करते थे। और यह भी हदीस पाक में मिलता है कि इसकी रातों को आप जिंदा फरमाते थे, बेदारी और इबादत का एहतमाम फरमाते थे, वो अय्यदा अहलहु, और अपने घर वालों को भी जगाते थे। तो हमें चाहिए कि इसकी रातों को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। पता नहीं कौन सी रात शबे कदर हो जाए और हमें उस रात की इबादत का शरफ मिल जाए जो हजार महीनों से बढ़कर है, 83 साल से ज्यादा बढ़कर हमें इबादत का सवाब मिल जाए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जिंदगी की 10 रातें अगर हम अल्लाह के नाम पर गुजार दें, जाग कर गुजार दें, तो आजकल 83 साल जीता कौन है? बड़ी कम तादाद है जो उस उम्र तक पहुंचती है। इस एक रात की इबादत से अगर पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब हमें मिल जाता है तो कितना सस्ता सौदा है। जरूरत है इस बात की कि इस आखिरी अशरे में हम पूरे तौर पर तैयार हो जाएं, इबादतों का एहतमाम करें। और ये बात भी याद रखें कि आखिरी अशरे में बिला जरूरत बाजारों के चक्कर काटना, खाने पीने की चीजों में बाजारों में पड़े रहना, शॉपिंग में पड़े रहना, ईद की तैयारी में लगे रहना, इतने अहम अशरे की अहम रातों को, ताक रातों को, शबे कदर जैसी रात, शबे कदर को, इस तरह की अहम रातों को शॉपिंग में गुजार देना, ये बिल्कुल अकल के खिलाफ है, अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। और हमें इस अशरे में अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ्व फाफ अन्नी, इस दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए। और आखिरी बात ये कि डरते रहना चाहिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो बद्दुआ हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन की मोहर लगाई। इस बद्दुआ और इस आमीन से डरते डरते अल्लाह ताला से माफी मांगकर ये कहना चाहिए, या अल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस आमीन से हम सब की हिफाजत फरमा, अपने मग़फूर और मकबूल बंदों में रब्बे करीम हम सब को शामिल फरमा, और इस मुबारक अशरे में हम सब की गर्दनों को जहन्नम से बरी और आजाद फरमा। आमीन या रब।